इस धरती में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो। एक पत्थर में भी अच्छाई और बुराई है, हाँ या ना? यदि एक पत्थर मैं आपके सिर पर मार दूं तो आपका सिर फूट जाएगा, लेकिन उसी पत्थर को यदि मैं सीढ़ी पर रख दूं, सीढ़ी के ऊपर, एक सीढ़ी के ऊपर पत्थर रख दो तो वो दूसरी सीढ़ी बन जाएगा और हमें ऊपर पहुंचाने के काम पे आ जाएगा। क्यों जी? जो पत्थर सिर तोड़ सकता था वही पत्थर आपकी सीढ़ी भी तो बन सकता है, बस बनाने का तरीका है। आप उसका प्रयोग सिर तोड़ने के लिए करते हैं या सीढ़ी के लिए करते हैं, ये संस्कारों पर निर्भर करता है आपके। क्यों जी? यदि छोटे से बच्चे को आप तलवार दे दें हाथ में, बंदूक दे दें हाथ में, तो वो लोगों को मारना सीख जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन उसी बच्चे के हाथ में बचपन से कलम पकड़ा दी जाए तो वो उसी कलम से इतिहास लिख सकता है। ये ताकत है ना। वो बच्चा, संगति यदि तलवार और बंदूक की मिल गई तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा, और संस्कार यदि कलम के मिल गए तो वो इतिहास लिख देगा। तो कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। मेरी माँ, सच्चाई तो ये है, प्रत्येक व्यक्ति बुरा होता है और प्रत्येक व्यक्ति अच्छा होता है। हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम आपकी बुराई देखें या अच्छाई देखें। आप में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं। 24 घंटे आपके अंदर अच्छाई भी मौजूद है और 24 घंटे आपके अंदर बुराई भी मौजूद है। अब हम आपकी क्या देखना चाहते हैं ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए मेरी माँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोए, बुरे हम ही थे पर जमाने भर को कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। इसलिए आंखों से भगवान को देखो और कानों से कभी आज कसम खा लो, हमें क्या फायदा कि हम पड़ोसन की बुराई सुने, क्या मिल जाएगा? चलो आपके घर में कोई नुकसान हो गया, कई लोग ना जैसे किसी के घर में आग लग गई, एक पड़ोसी, एक व्यक्ति के घर में आग लग गई तो पड़ोसियों ने कहा, अच्छा जैसा किया था वैसा भोग रहा है। किसी के घर में आग लगी और आपने उसके लिए ये शब्द कह दिया कि किया होगा पाप तो भोग रहा है। जैसे किसी के घर में किसी की पांव टूट गया, किसी की आंख फूट गई तो कई लोग कहते ना, अरे पाप किया होगा भोग रहा है। क्यों जी? ये तो सत्य है कि पाप का ही परिणाम है, लेकिन तुम कह रहे हो इसका अर्थ है तुम भी उसके पाप के अब भागीदार बन रहे हो। तुम्हें कहने से क्या लाभ मिलेगा? क्यों कह के अपना मुंह खराब कर रहे हो? क्यों किसी के दिल को घायल कर रहे हो? दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है। मेरी माँ, भगवान करे आप सदा सुखी रहें, कभी किसी के जीवन में कोई संकट ना आवे, यही दुआएं होनी चाहिए सदा हमारे भीतर आपके लिए। लेकिन कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, दूसरों का दुख देख के उनके कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है उनको, वो चाहते ही थे कि कब इनका नाश हो, कब हम मजे लूटें, कब हंसें। तो ठीक है, आज तुम मजे लूट रहे हो ना, दूसरों के घर जलने में तुम बड़ी खुशियां मना रहे हो, बस तुमने हंस लिया ना, बस बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुम्हारे घर पर आग लगेगी और जमाना हंसेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए संभल कर बैठना, इसलिए संभल कर बैठना। जग में तमाशा देखने वालों, तुम्हें बड़ा मजा आता है ना दूसरों का घर जलते हुए देखने में, तमाशा देख, लोग कहते तमाशा चल रहा है ना। जब भाई भाई का झगड़ा होता है तो लोगों को बड़ा मजा आता, अरे उनके घर में तो आग लग गई, झगड़ा चल रहा है, झगड़ा, लोगों को बड़ा मजा आता, पूरे गांव में चर्चाएं चलती हैं उस व्यक्ति की,
क्योंकि सारे घरों में कोई और मुद्दा तो है नहीं, कोई और मैटर तो है नहीं, उसी पर बात चलती है, डिबेट होती रहती है, कोई चर्चा है ही नहीं। वो भगवान की बातें नहीं करना चाहते, वो तो यही चाहते हैं कब इनके घर में कुछ बात बिगड़े और कब हमें बोलने का मौका, क्योंकि बेचारे मेंढक बरसाती कभी कभी तो टर टर करने का मौका मिलता है, रोज रोज तो ये बोल सकते नहीं, तो जब मिलता है तो छोड़ते नहीं है मौका अपना। बारिश के मेंढक बेचारे कब टर टर करते हैं, केवल बारिश में। अभी आपको कहीं मेंढक की आवाज आ रही है, बोलो मेरी माँ, नहीं। ऐसे आपके जीवन में भी ये चलता रहता है, जब किसी के घर में कुछ हुआ ना तो आप लोगों को मौका मिल जाता है टर टर करने का, क्यों सही है ना। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। इसलिए कभी दूसरों के तमाशे को ना देखो, भगवान से यही प्रार्थना करो विधाता इनको सद्बुद्धि दो, ये प्रेम से रहें। हम क्या फायदा कर पालेंगे, आप यदि हमारे सामने आपका नुकसान हो तो हमारा क्या फायदा है इसमें। नहीं मेरी माँ, किसी के लिए स्वप्न में भी बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्या मिल जाएगा हमें। कई लोग बुरा ही सोचते हैं, आज इतने गंदे लोग समाज में हैं कि वो खाने में जहर तक दे देते हैं, इतनी ईर्ष्या है, इतना द्वेष है। क्या मिलेगा हमें आपको मार देने से, क्या पालेंगे हम, दुनिया के राजा बन जाएंगे आपको मार डालेंगे तो। संसार है, सबको जीने का अधिकार है मेरी माँ, आंखें ईश्वर को देखने के लिए, आंखें हैं तो सदा गौरी गोपाल भगवान को देखो, देखो ना गौरी गोपाल भगवान को कितने सुंदर हैं। कभी आपने देखा गौरी गोपाल भगवान को, देखो इनके चरणों को, देखो इनके मुखमंडल को, देखो इतने सुंदर हैं, कोई इनसे भी सुंदर होगा क्या। देखना ही है तो क्यों ना भगवान को देखा जाए, तो आंख दी है तो गौरी गोपाल भगवान को देखो, कान दिए हैं भगवान ने तो केवल भगवान की कथाएं सुनो, आंख दी है दर्शन के लिए, कान दिया है कथा सुनने के लिए, और वाणी दी है तो निंदा के लिए नहीं, चुगली के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं, जब भी समय मिले अपनी वाणी को भगवान की कथा से जोड़ के रखो, नाम जपो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वाणी सदा भगवान का स्मरण करती रहे, ये वाणी जो है ना मेरी माँ, कभी उल्टा सीधा ना बोला। कई लोग तो बोलते हैं तुम्हें कीड़े पड़ जाए, तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाए, तुम जैसे बोल रही हो ना मैया, उसका भले ना हो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो आदमी जिसके लिए खोदा गया है वो गिरेगा कि नहीं ये तो कन्फर्म नहीं है, पर तुमने दूसरों के लिए खोदा है तो तुम्हारे लिए भी परमात्मा ने खोद के रखा है, क्योंकि तुमने दूसरों के लिए खोदा, जैसी करनी वैसी भरनी। देर सवेर तुम्हें गड्ढा में गिरना ही पड़ेगा, इसलिए कभी मेरी माँ किसी के लिए गलत ना बोला करो, कभी नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कौन से समय आपकी वाणी में सरस्वती आकर बैठ जाए और आपकी कौन सी बात सत्य हो जाए। 24 घंटे में एक बार आदमी सत्य बोलता है, एक बार माता सरस्वती सबकी वाणी में 24 घंटे में एक बार बैठती है। आपने किसी को कह दिया तू मर जा और तभी सरस्वती आपकी वाणी में बैठ गई, फिर तू अंधा हो जा, तू लंगड़ा हो जा, तेरा ये हो जाए, राम राम। स्वप्न में भी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुझे कीड़े पड़े ये हो ये सब राम राम। ये जो आदमी बहुत गंदा, जिस जो आदमी घटिया होगा ना, एक बात बताए मैया जी, जो आपके अंदर होता है ना वही निकलता है। आपने यदि आज मूली खाई है ना तो डकार मूली की ही आएगी, सही है क्या। डकार जब लेते हैं ना तो मूली के स्वाद की डकार होती है, ऐसी
आपने प्याज खाई है तो डकार भी प्याज की आएगी, हाँ या ना। फिर जो खाता है व्यक्ति वही डकारता है। जो व्यक्ति कह रहा है तू अंधा हो जा, लंगड़ा हो जा, तेरे कीड़े पड़ जाए, तेरा नाश हो जाए, जो वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ये समाज के सबसे घटिया क्वालिटी के लोग हैं। इनके अंदर यही भरी है, लोगों के प्रति केवल दुर्भावनाएं भरी पड़ी हैं, इसलिए तो वही निकल रही हैं। बद्दुआएं भरी पड़ी हैं, वही इसलिए निकल रही हैं, क्योंकि इनके अंदर यही है। इन्होंने कभी सपने में किसी का भला नहीं सोचा होगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि तुम्हें कीड़े पड़ जाएं। अपने दुश्मन के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग तो बोल हमारी माताएं जरा जरा से जा तुझे तो कीड़े पड़ेंगे, ले तो मरना बुढ़िया, देख लेना तुम्हें को पड़ेंगे। तुम ज्यादा दूसरों को सोच रही हो ना, दूसरों को पड़ेंगे नहीं, तुम्हें जरूर पड़ जाएंगे, मरना तड़प तड़प के। इसलिए बुरा ना सोचो किसी के लिए। पता नहीं कौन सी वाणी में सरस्वती बैठ जाए और कौन सी वाणी सत्य हो जाए। अपने लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। कई लोग अपने लिए बुरा सोचते हैं, मैं मर जाऊं, मैं जी के क्या करूं महाराज, मैं मर जाऊं। काहे मर जाओ, हे भगवान, मैं क्या क्या कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचते रहते। अपने लिए भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, सदा अच्छा सोचो, सदा पॉजिटिव रहो, एनर्जी से भरे रहो, सकारात्मकता से, है ना। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी बात आपको पिछली बार भी बताया था, फिर मैं आपको स्मरण करा दूं। मैंने एक बार अपने जीवन में झूठ बोला था और मेरा झूठ बोला उसी समय मेरी वाणी में सरस्वती जी बैठ गई, वो सत्य हो गया। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, मैं अपना एग्जाम्पल दूं फिर आप समझ जाएंगे। एक बार मैं बहुत छोटे में, मैं वृंदावन से पढ़ करके जा रहा था मुंबई, ट्रेन में बैठा, ट्रेन इतनी खचाखच भरी थी कि ट्रेन में सीट थी नहीं, तो विकलांग डिब्बा था विकलांगों का, तो वहां जरा सी जगह थी तो मैं वहां घुस गया। टिकट थी जर्नल की, रिजर्वेशन वगैरह था नहीं, उस समय तो बच्चे ही थे छोटे, मन करे जहां चले जाते थे, कोई रिजर्वेशन की जरूरत थी नहीं, टिकट कटाए चलो। तो मैं विकलांगों के डिब्बे में घुस गया, टीटी आया तो मैं डर गया कि तो विकलांगों का डिब्बा है, यहां तो विकलांग बैठते हैं। तो उसने, टीटी ने हमसे पूछ लिया, यहां क्यों बैठे हो, तो हमने उससे कह दिया कि हम विकलांग हैं। हमने उससे कह दिया कि हम विकलांग हैं, बस ये कहा और टीटी चला गया। कुछ महीनों के बाद ये मेरी बात सत्य हो गई, मैं विकलांग नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से निकल आया कि मैं विकलांग हूं। तो सचमुच मैं 25 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया और मेरा कोल्हू टूट गया, मेरी बात सत्य हो गई, मैं सच्ची विकलांग हो गया। और सचमुच मैं वैसाखी लेके चलने लगा, मैं 2 वैसाखी लेके चलता था, पर बिहारी जी की कृपा थी कि मैंने पाप किया था, गलती की ना, झूठ बोला मैंने, मैंने तब से कान पकड़ा के विधाता, यदि गलती है मैं मानता हूं गलती अपराध हुई, पर आज के बाद मैं कभी असत्य नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उसी वैसाखी को लेकर मैंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, मैंने झूठ बोला ना, मैंने उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने चित्रकूट के कामतानाथ कामतगिरी की परिक्रमा लगाई। उसी लंगड़ेपन में दवाइयां चल रही थी, 2 महीने तक बिस्तर पर रहा डॉक्टर के यहाँ, 4-4 ईंट लटकी थी पाँव में हड्डी को खींचने के लिए ताकि सही जगह पर आके बैठ जाए। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप सदा लंगड़े ही चलोगे, लेकिन मैंने उसी लंगड़ेपन में मैंने वैसाखी लेकर कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई और
बिहारी जी ने उस पाप के बल पर जब मैंने प्रायश्चित किया तो बिहारी जी ने शायद माफ कर दिया, इसलिए अब बिना वैसाखी के अब मैं दौड़ भी लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा था आप कभी ठीक से चल नहीं पाओगे, लेकिन बिहारी जी की कृपा तो डॉक्टरों से ऊपर है, इसलिए अब चल भी पाता हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये बात 2013 की है, लगभग 2013 की बात है, 12-13 ही है। बस मेरी माँ मेरे जीवन का ये सबसे आखिरी झूठ था। मैंने कहा कि मैं विकलांग हूं तो मैं विकलांग हो गया। इसलिए आप लोग कहते रहते हो ना, हम महाराज बड़े गरीब हैं, और तवई सरस्वती जी बैठ गई। इसलिए कभी ना कहा करो कि हम गरीब हैं, सदा तुम रोते रहते हो ना, महाराज हमारा तो काम अच्छा चल रहा है, जबकि फिर भी कई लोग रोते ही रहते, हमारा तो काम धंधा नहीं चल रहा। भगवान सरस्वती ना बैठ जानी सच्ची नहीं चलेगा। इसलिए सदा हमें ये कहना चाहिए कि हम इस धरती में सबसे सुखी हैं, ताकि सरस्वती बैठ जाए वाणी पर तो आप दुनिया में सबसे सुखी हो जाए। आप सदा यही कहा करो कि हमारे जीवन में विधाता ने कोई कमी नहीं रखी, हमें तो सब प्रकार से बिहारी जी ने संपन्न बनाया है, कोई कमी नहीं। प्रसन्न रहो, जब प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी, और दुखी रहोगे तो दुख बढ़ेगा, जो होगा वही बढ़ेगा, समझ रहे हैं। इसलिए जीवन में अपने लिए भी झूठ ना बोला करो, स्वार्थ के लिए भी झूठ ना बोला करो। बस मेरी माँ मेरे जीवन की वो घटना थी जिसने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया कि जीवन में झूठ बोलने का ये परिणाम होता है। एक झूठ बोलता हूं तो ये परिणाम है, 2-4-10 बोलता तो राम जाने क्या होता। इसलिए मैं कभी असत्य नहीं कहता। उस दिन से मैंने असत्य बोलना छोड़ दिया कि राम राम ना, कभी भले भूखा मर जाऊंगा पर जो कहूंगा सत्य ही कहूंगा, असत्य नहीं कहूंगा। सत्य के रास्ते पर चलने पर जो आनंद है वो कहीं नहीं। सच बोलने वाला व्यक्ति निडर होता है, और झूठ बोलने वाले व्यक्ति को डर बना रहता है कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं झूठ सामने ना आ जाए, लेकिन सच का कोई डर नहीं होता। सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत, बोलो, सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति सदा ही भयभीत होता है, डरता है। इसलिए आपको निडर होना है तो सत्य के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, और कभी किसी के लिए बुरा नहीं, ना दूसरों के लिए ना खुद के लिए। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हंसी मजाक में भी उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन सी बात सच हो जाए।